सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू GolRoti। आज मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है, मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरी ये वाली रेसिपी फेल हो गई है। ये रेसिपी असल में मेरी नहीं थी, मुझे इंटरनेट से मिली थी और मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, इसको मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन ये रेसिपी हो गई बहुत बुरे तरीके से फेल। मैंने कहा अब फेल तो हो गई है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इसमें इंटरटेनमेंट नहीं है, वो आपको पूरी मिलेगी। मैंने बनाने की कोशिश की थी, ये पिन व्हील कुकीज होते हैं, इनको आप बेक भी कर सकते हो, लेकिन ये फ्राइड वर्जन था जो कि मैं कर सकती थी लेकिन बदकिस्मती से फेल हो गया। तो मैं बताती हूँ कि इसको कैसे नहीं बनाना। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने एक कप ले लिया मैदा, आधा कप चीनी, उसके बाद इसमें जाना था आधा कप ही कॉर्नफ्लोर, लेकिन क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया उसको कस्टर्ड पाउडर से, सेम थिंग। उसके बाद जी इसमें जानी है क्रीम एक टेबल स्पून। मुझे वैसे पता नहीं कि इससे फायदा क्या हुआ था लेकिन रेसिपी में थी तो मैंने ऐड कर दी। तो उसके बाद इसमें चाहेगा 2 टेबलस्पून मक्खन रूम टेम्परेचर। उसके बाद इसको बड़े अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करनी है जो कि जाहिर नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए इसके अंदर मैंने डाल दिया 1/4 कप पानी। वैसे 1/4 कप से 1-2 टेबलस्पून थोड़ा और ऊपर लगा था, लेकिन करना ये है कि इसको गूंद के ना इसकी बहुत अच्छी सी डो बना देनी है। क्योंकि कस्टर्ड मेरा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था तो मेरी डो पिंक बनी है बड़ी प्यारी सी। अगर आप कॉर्नफ्लोर लोगे तो ये बिल्कुल डो सफ़ेद रहेगी, और किसी भी फ्लेवर का अगर कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रहे हो तो ज़ाहिर कलर वही हो जाएगा। ये बड़ी सॉफ्ट सी डो बन जानी है, मेरी बनी थी वैसे, बननी नहीं चाहिए थी। खैर उसके बाद इस डो को 2 हिस्सों में मैंने कर दिया डिवाइड बहुत ईमानदारी से। उसके बाद एक को मैंने कर दिया साइड पे और जो एक डो मेरे बोल के अंदर थी उसमें मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। ये डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया, मकसद ये था कि इसमें जरा चॉकलेट फ्लेवर आ जाए, कलर्स भी आ जाए। वैसे थोड़ा मुश्किल ही होता है कोको पाउडर को इसमें गूंदना, लेकिन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा, लेकिन आपका कोको पाउडर जो है डो के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और आपकी 2 डोज बन जाएंगी डोज एक चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी। उसके बाद जी क्या करना है कि इनको बेलना है। अब ये क्योंकि स्टिकी है नीचे चिपके की, तो बेस्ट तरीका यही है कि नीचे और ऊपर पार्चमेंट पेपर रखा जाए और उसके बाद बेलन से इसको बेल लिया जाए। मैंने यूं ही किया, नीचे ऊपर पार्चमेंट पेपर रखा और पोले पोले हाथों से इसको बेल दिया। इसी तरह से मैंने पहले चॉकलेट की डो को बेल लिया, लाजमी नहीं है कि गोल ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद उसी तरह मैंने स्ट्रॉबेरी डो को बेल लिया बहुत अच्छे से। अब हमारी दोनों डोज ऑलमोस्ट एक साइज की हो चुकी हुई हैं। तो हमने क्या करना है कि जो हमारी चॉकलेट डो थी उसके ऊपर मैंने पानी लगा दिया बहुत थोड़ा सा, कुछ ड्रॉप्स लिए ताकि जो दूसरी डो इसके साथ अच्छे से चिपक जाए फैलाने के बाद पानी को। दूसरी डो भी इसके ऊपर डाली, हमारी जो रोटी थी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड रोटी। उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद पार्चमेंट पेपर रख के ना मैंने हल्के हाथों से ना थोड़ा सा और इसको बेल लिया ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। जब ये बहुत अच्छे से चिपक जाए तो पार्चमेंट पेपर मैंने किया रिमूव और एक कॉर्नर से पकड़ के इसको ना मैंने रोल करना शुरू कर दिया। बहुत इसको टाइट रोल करना है वरना ये खुल जाएगा। बता तो मैं ऐसी रही हूँ जैसी रेसिपी मेरी ठीक बन गई थी लेकिन तरीका यही है कि बहुत टाइट रोल करते हैं। इसको रोल करने के बाद इसी पार्चमेंट पेपर में मैंने अच्छे से इसको लपेटा और इसको मैंने फेंक दिया फ्रीज़र के अंदर। नॉट लिटरली फ्रीज़र में इसको रख देना है, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। इसको बस थोड़ा सा फर्म होना चाहिए क्योंकि इसको बाद में हमने काटना है, तो अगर डो सख्त होगी तो बड़े अच्छे से हो जाएगा काम। यूं करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया कोई मैंने 2 घंटों के लिए। उसके बाद इसको निकाला, इसको खोला और इसके मैंने काटने शुरू कर दिए पीसेस। इसको काटा और ये अंदर से जो नज़ारे नज़र आए मेरा तो दिल ही खुश हो गया, यहाँ तक सब कुछ ठीक जा रहा है। इसके बाद इसके मैंने पीसेस काट दिए, 1/4 इंच का पीस होगा एक, और इसको हाथों से मैंने गोल सी शेप देने की कोशिश की। तो इन सब के जब सारे बिस्किट्स इस तरह काट लिए, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको बेक करना है अवन के अंदर 180°C पे। यार चेक कर लेना, मेरे ख्याल 12 से 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए और आपके ये कुकीज़ बहुत अच्छे बनेंगे। आई प्रॉमिस यू इनका टेस्ट बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसमें कस्टर्ड है और चॉकलेट है, तो स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट बड़े मज़े के इसका फ्लेवर होगा। लेकिन मैंने क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ तो मैंने इसको तेल में फ्राई कर दिया। पहले दिखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, यार ये तो बड़े मज़े के बनेंगे, बड़े क्रिस्पी होंगे, पर ऐसा नहीं था क्योंकि थोड़ी देर बाद ये घुलना शुरू हो गया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ है, किस चीज़ की रेशियो ऑफ थी, आई हैव नो आइडिया। क्या मुझे रेगुलर शुगर की जगह पाउडर्ड शुगर डालनी चाहिए थी, आई हैव नो आइडिया सीरियसली। ये देख के मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट गया, मैं बहुत उदास हो गई फिर। लेकिन मैंने क्योंकि सारे अभी तक फ्राई नहीं किए थे, कुछ मेरे पास सलैदा पड़े हुए थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं उसको तवे पे बनाने की कोशिश करूँ। तो जो रोटियाँ बनाने वाला तवा होता है ना, मैं इतनी डिसहार्ट हो चुकी थी कि मैंने उसके ऊपर इन्हें रखा, कवर किया और मैंने कहा यार यहाँ पे कुक हो जाओ, मेहरबानी तुम लोगों की। अब जाहिर है वो जब मैंने किया तो उस पर कलर आ गया और ठीक से पका भी नहीं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे है तो ये
मैदा ही, और इसको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है पकने के लिए। तो ये वाली रेसिपी इस तरह से मेरी बिल्कुल फेल होगी, मेरे पास अवन नहीं है वरना ये काम ना होता। तो आपने अगर इनको बनाना है, टेस्ट बहुत अमेजिंग होगा ये मेरा वादा है, तो आपने ना इनको बेक करना है, इसको ना फ्राई करना है ना ये मेरी तरह जुगाड़ लगा के इसको तवे पे कुक करने की कोशिश करनी है। आपने देख लो यार, करना है तो कर लो, अगर अच्छे बन गए तो मुझे तस्वीर भेज देना मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगाऊंगी और सेलिब्रेट करूंगी। आज क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ट हूँ तो मुझे ना इस वीडियो पे लाइक्स चाहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ना दिल चाहिए, वो भी ऑरेंज कलर के, प्लीज़ मुझे नीचे ऑरेंज कलर के दिल दो। और आज के लिए बस इतना ही था, मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा पहला चैनल है सनस बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।